तो दोस्तों मेरा नाम अनिल है, मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट स्कीम लेके आऊँ। आज हम जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करेंगे वो है हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर पे बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड है ये, क्योंकि मैं इसको इसलिए बेहतरीन बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा हेल्थ केयर पे बना हुआ है। जो लोग मेडिकल में काम करते हैं उन लोगों को इसकी जरूर नॉलेज होगी, और अगर नहीं है तो मैं पूरी वीडियो में बताता हूँ आपको कि स्टार्ट कब हुआ था। 29 जून 1987 को ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 315 रुपये, फंड साइज की बात करें भी करीब 2035 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखे हैं इस फंड साइज में, और होल्डिंग है 24 कंपनियां। अब म्यूचुअल फंड में समझने की सबसे बड़ी एक ही बात होती है कि ये 24 क्या है होल्डिंग। ये 24 मेडिकल की कंपनियां हैं, हेल्थ केयर पे है तो 24 की 4 मतलब 24 की 24 कंपनियां मेडिसिन की कंपनियां हैं, जिस मेडिसिन कंपनियों पे एसबीआई ने हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी ने अपना पैसा मेडिसिन की कंपनियों पे लगाया हुआ है। अब ये 24 कंपनियां ही आपको कब पैसा कमा के देंगी। अब इस 24 कंपनियों को समझना है कि ये 24 कंपनियां काम कैसे करती हैं। तो ये इनकी क्या है, ये है टोटल मतलब स्टॉक शेयर मार्केट। ये टोटल 24 शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है। मान लो हमने लगाया 6000 रुपये, तो 24 कंपनियों में 6000 रुपये लग जाएंगे और टोटल शेयर मार्केट में जाएगा पैसा, वहां से पैसा कमा के लेके आएगा। तो सीधी सी बात है, जैसे मान लो अगर हम सिंपल एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो अगर हमने एक में पैसा लगाया, मान लो शेयर मार्केट, अगर हमने शेयर मार्केट में जाते हैं म्यूचुअल फंड में ना जाके सॉरी, तो अगर हमने उसमें एक शेयर मार्केट में लगाया तो एक शेयर मार्केट क्या था डूब भी सकता है। पर ये 24 कंपनियों में पैसा लगाएंगे और इनकी जो मैनेजमेंट है वो इसको हैंडल करती है, हमारी टेंशन नहीं है। हमें तो केवल पैसा लगाना है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी के अंदर, बस इतना ही काम करना है आपने। इसके अलावा ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना कि क्या कैसे होगा, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं। बस आप आंख बंद करके आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर हम जो हमारा टाइम निकल जाता है ना वो बेहतरीन चीज़ होती है, वो सुनहरा अवसर होता है। अगर वो निकल गया फिर हमारे पास में टाइम कम बचता है, क्योंकि टाइम हमारे पास में इतना ही है, जब तक हम रिटायरमेंट नहीं होते तब तक हम पैसा लगा सकते हैं, उसके बाद हम पैसा नहीं लगा सकते, उसके बाद हमें पैसा चाहिए। तो हमें क्या करना है, ऐसा मजबूत सॉलिड पिलर बनाना है जिसके ऊपर मंजिल दर मंजिल मकान बन जाए और नीचे नींव को दिक्कत ना हो। और एक रिक्वेस्ट और है, ऐसे बंदे से मत पूछिए जिसको म्यूचुअल फंड का बिल्कुल भी जीरो भी नहीं पता। वो क्या होता है, वो कहते हैं जी आपका तो इसमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा, आपको मतलब नेगेटिविटी करते का। जो जिसको ज्ञान नहीं है ना उससे मत पूछिए। अगर आपको पूछना ही है पड़ोसी से ना पूछ के आपने क्या करना है, एसबीआई बैंक मैनेजर के पास में जाना, जो भी नियर अब आपके ब्रांच हो उसमें जाके पूछना है कि सर ये एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड क्या है, कैसे काम करता है, क्या पैसे बना के देगा, और अगर बना के देगा तो कौन सा बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। उनसे जाके डिटेल लेनी है, वो बताएंगे आपको। वो अगर ये बोलते हैं कि नहीं ये म्यूचुअल फंड बेकार है ख़त्म हो जाता है, ऐसा अगर बात बोलते हैं तो मत कराइए। वो ऐसा कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि उनका काम यही होता है लोगों को समझाना। अगर लोगों को समझ में आ जाए तो अपने देश का भविष्य सुधर जाएगा, हमारे खुद का और देश का तो सुधरना ही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के अंदर में क्या है, सेविंग करने की आदत लोगों को बहुत कम है। फॉरेन में क्या है, फॉरेन में लोग सेविंग बहुत करते हैं, सेविंग ऐसी जो कि बेहतरीन बैंक के अंदर हो, बेहतरीन म्यूचुअल फंड में और बेहतरीन आपको रिटर्न मिले, ऐसी जगह करनी चाहिए। तो आगे की बात कर ले हैं, एक्सपेंस रेशो 1.03 के करीब है, एग्जिट लोड 0.5 के करीब है। 15 दिन के बाद अगर आप पैसा निकलवाओगे तो कोई चार्ज नहीं कटेगा, उससे पहले कटवाओगे पहले निकलवाओगे तो 0.5 चार्ज लगेगा इसके ऊपर। एयूएम की बात कर लेते हैं, इसमें 823,520 करोड़ रुपये एयूएम है, काफ़ी बड़ा साइज है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई का भरोसा है, एसबीआई का लॉन्ग टर्म से जो सिस्टम चलता आ रहा है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। हमें तो केवल पैसे म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, और जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड लगे उसमें लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। एसबीआई का कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो आप, सारे ही बेहतरीन है मेरी अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या होता है, कईयों को लगता है कि एसबीआई स्मॉल कैप अच्छा है, स्मॉल कैप में लगा सकते हो, ब्लू चिप अच्छा है, ब्लू चिप में, मिड कैप, लार्ज कैप, जिसमें भी आप लगाना चाहो सारे टोटल बेहतरीन है, किसी में भी आप अपना पैसा लगा सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, आर रिटर्न इसका 17% का करीब है, 5 ईयर की बात करें 18.75, 3 ईयर की बात करें 17.99, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है 17%। आरडी एफडी ईपीएफ पीएफ जहां भी पैसा लगा रखा है आपने वहां से बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा है।
हमें क्या करना है, हमें तो केवल अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है और वो भी बेहतरीन रिटर्न मिल जाए उसमें लगाना है। आगे बात कर लेते हैं, मैं केवल 24 में से चार कंपनियों के नाम बताना चाहूंगा, 20 का बोर्ड का नाम नहीं आता, इसलिए मैं केवल चार के नाम बताना चाहता हूँ। जो भी भाई, जो भी मेरे सर मेडिकल में काम करते हैं, उनको पता होगा कि सन फार्मा क्या है। 24 में से चार कंपनी को बताता हूँ। सन फार्मा में 13.67 लगा रखे हैं, सिप्ला में 8.66 है, मैक्स हेल्थ केयर में 5.22 के करीब है, मैनकाइंड फार्मा के अंदर 4.97 के करीब है। आप समझ सकते हो सन फार्मा कितनी बड़ी कंपनी होगी, बहुत बड़ी कंपनी है सन फार्मा, मेडिसिन की कंपनी है। ये टोटली म्यूचुअल फंड मेडिसिन के ऊपर है, जो बंदे मेडिसिन में काम करते हैं वो इसको ले सकते हैं, बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। आपको आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोरोना के अंदर में 2020 में मार्च के अंदर में मोस्टली मार्केट नीचे की तरफ आ गया था, पर मेडिसिन का मार्केट ऊपर गया था। कारण क्या था? एक ही विशाल कारण था कि हॉस्पिटल खुले हुए थे और लोग बीमार थे, उसके कारण मेडिसिन का मार्केट ऊपर गया था। तो ऐसी जगह पैसा लगाए जहां पे पैसा हमारा अच्छा रिटर्न निकल गया जाए। तो मेडिसिन का मार्केट कभी भी पुअर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि देश के अंदर लोग बीमार रहते हैं, जो बीमार रहेंगे वो मेडिसिन यूज करेंगे करेंगे। हर घर में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पे मेडिसिन का यूज नहीं होता होगा। नंबर दो पे सिप्ला कंपनी है, आप देख सकते हो सिप्ला काफी पुरानी कंपनी है, काफी बेहतरीन कंपनी है, 8.66 से करीब लगा रखा है। मैनकाइंड हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर है, ये बहुत बढ़िया है। मैनकाइंड फार्मा, ये भी काफी बड़ी कंपनी है, मेडिसिन की कंपनी है, टोटल मेडिसिन के ऊपर म्यूचुअल फंड है। 24 की 24 म्यूचुअल फंड के अंदर कंपनियां मेडिसिन की बेहतरीन जो काम करेंगी उनको अंदर लिया हुआ है। अगर ये काम ठीक से नहीं करती किसी भी कंपनी में, तो मैनेजमेंट इनकी क्या करती है, उस कंपनी में से उस बंदे को, कंपनी को बाहर कर देती है, नई कंपनी अंदर कर लेती है। क्योंकि मेडिसिन की यूं नहीं है खाली 24 कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं, पर जो 24 कंपनियां बेहतरीन कंपनियां हैं, छाननी में से छानने के बाद निकाली हुई ये 24 कंपनियां हैं, और यही हमें पैसा कमा के देंगी, यही म्यूचुअल फंड को देंगी, यही हमें देंगी। आगे बात करते हैं हम 6,000 रुपये की SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कभी भी कर सकते हो आप, मान लो 10 तारीख को करना चाहो 10 तारीख को, 15, 20, 25, 17% रिटर्न मान के चलते हैं, 17% ही बता रहे हैं। 23 साल के लिए हमने लगाए 16,56,000 रुपये और हमें मिलेंगे 2,04,23,473 रुपये। क्या केवल 23 साल के लिए हम म्यूचुअल फंड में नहीं जा सकते क्या? अगर आपने कुछ और स्कीम ले रखी है, PPF में पैसा लगा रखा है, कल मेरे पास एक मैसेज भी आया था PPF का कि PPF के अंदर में पैसा लगा रखा है सर, उसके अंदर में मतलब हमें टैक्स नहीं लगता। सर टैक्स दे के भी हम 0 पॉइंट एक्सपेंस रेशियो भी 1 पॉइंट की बात भी कर लेते हैं तो भी बहुत बेहतरीन पैसा बचता है। मान लो अगर आपका इसके अंदर टैक्स कट भी गया, 1 लाख से ऊपर का टैक्स कट भी गया, 5-7 लाख रुपए लग भी गए, तो क्या हो गया? फिर भी बहुत सा पैसा बचेगा आपके पास में, इतना पैसा कि हम लाइफ के अंदर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि करोड़ रुपए कमाने के लिए आदमी को बहुत सारा हिम्मत चाहिए, और सेविंग जो पुअर आदमी है, जो मतलब छोटी मोटी नौकरी करते हैं 10,000, 15,000, 20,000 की, वो सेविंग बहुत मुश्किल कर पाते हैं। होता क्या है, क्योंकि जिस मेंटेलिटी में बैठते हैं उनमें यही होता है कि पता नहीं दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और यही चीज़ हमें पीछे खिसका देती है। टाइम हमारा निकल गया, फिर हमें कोई भी म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को बेहतरीन करके नहीं दे सकता। हमें तो ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है जहां से हमें बेहतरीन रिटर्न आ सके। SBI की किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, करीब करीब टोटल सारे म्यूचुअल फंड बेस्ट है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।